हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत इंस्टेंट तरीके से बनाऊंगी मैं आज। तो आइए शुरू करते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ये दूध, जो मैंने करीब 1.5 गिलास लिया है। इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 कप करीब चीनी, और ये मिल्क पाउडर मैंने ले लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल मिल्क पाउडर हो वो ले लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर आमंड पाउडर लिया है, और ये मैंने ली है इलायची। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कंटेनर को मैं इस पर गैस पर चढ़ा रही हूँ, और मैंने लो फ्लेम कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मिल्क है वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो या हल्का गर्म, वो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि हमें प्रोसेस के दौरान इसको और भी ज़्यादा खौलाना है इसीलिए। तो अब मैं इसे मीडियम फ्लेम कर रही हूँ, और मीडियम फ्लेम पर मैं करीबन इसे 5 से 10 मिनट तक खोलने दूंगी। और तब तक उसके बाद मैं ये मिल्क पाउडर, जब ये 5 से 10 मिनट तक दूध खोल जाएगा, तब मैं इसमें ये मिल्क पाउडर ऐड करूंगी, चीनी ऐड करूंगी, फिर कार्डमम और ये आमंड पाउडर। तो ये 5 से 10 मिनट तक हमें इसे उबलने देना है। तो उबलने देते हैं फ्रेंड्स। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये जो दूध है ये उबल चुका है और काफ़ी गाढ़ा भी लग रहा है। तो इसे इस तरह से हम एक बार चला लेंगे। ये देखिए आप, इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होती जा रही है। तो अब हम इसमें हमारा जो मिल्क पाउडर है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मिल्क पाउडर हमें धीरे धीरे करके ऐड करना है, क्योंकि अगर हमने एक बार में डाल दिया तो ये सारे लम्ब्स हो जाएंगे, ये पूरा गांठ बनकर रह जाएगा और फिर आपकी रबड़ी नहीं बन पाएगी। इसीलिए इस तरह से करके फिर इसे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से ही चलाएं ताकि ये कहीं पर भी लम्ब्स ना बने। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो छोटे मोटे कहीं आपको लम्ब्स दिख जाएं तो आप इसे बर्तन में ही बना लें इस तरह से। और इस वक्त टेम्परेचर जो है लो रखिए गैस का। इसे तो देखिए फ्रेंड्स, ये पाउडर जो मैंने मिल्क पाउडर डाला था, तो अब उसमें डालने के बाद ये उबल रहा है और काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है। तो ये मैं एक बार और फ्लेम हाई करूँगी और एक बार इसे मिला लूँगी। ये मैंने 5 से 10 मिनट तक इस तरह से इसे स्टर किया है, आप भी करें ताकि ये गाढ़ा होता जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं लो कर दूँगी फ्लेम, और ये जो मेरा चीनी है ये मैंने इसमें डाल दिया। चीनी डालने के बाद इस तरह से मिलाएंगे। आप चीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये चीनी को मिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये इलायची। इलायची मैंने डाल दिया है। अब इसे हम मिलाएंगे इस तरह से। कितना देर बोल रहे फ्रेंड्स, मैं इसे 5 मिनट से तकरीबन इस तरह से स्टर कर रही हूँ, आपको भी करते रहना है ताकि ये गाढ़ी हो जाए। इलायची पाउडर और जो मिल्क पाउडर था वो अच्छे से घुल गया है, चीनी भी घुल गई है, तो इससे काफ़ी अच्छा अब खुशबू आ रहा है। और आप देख सकते हैं रबड़ी का भी कलर ये धीरे धीरे ले रहा है। तो आपको इस तरह से और 5 मिनट के लिए चलाना है, मैं भी चला रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये इंस्टेंट रेसिपी है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे रबड़ी पे, जिसमें लोग ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, या ओरिजिनल जो रबड़ी की रेसिपी होती है उसमें बहुत देर तक दूध को जो है खौलाना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत आसान रेसिपी है, और इसे सिर्फ कुछ ही देर में बनाया जा सकता है। तो कभी भी जैसे आपके पास कोई गेस्ट आ जाए, या आपका खाने का मन हो और अवेलेबल ना हो, तो आप इन सिंपल चीज़ों से बना सकते हैं।
तो अब मैं इसे स्टर से स्टर कर रही हूँ, ये गाढ़ी होती जा रही है। फ्रेंड्स ये 5 मिनट मैंने चलाया है तो आप देख सकते हो ये इतना गाढ़ा हो चुका है, पर मैं इसे 5 मिनट और चलाऊंगी मीडियम फ्लेम पे ताकि ये हल्का और गाढ़ा हो जाए, तब फिर हमारा ये रबड़ी जो है वो रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पूरा रबड़ी के कलर में आ चुका है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है बिल्कुल रबड़ी की तरह। तो अब मैं अपना फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसे सर्व कर दूंगी एक बाउल में। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी रबड़ी तैयार है, तो अब मैं इसे एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल गाढ़ा हो गया रबड़ी की तरह, और मैं बता दूं कि ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये गाढ़ा होता जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी और थिक होती जाएगी। मैंने सर्व कर लिया। अब मैं ये गार्निशिंग के लिए आमंड पाउडर्स डाल रही हूँ और ये किशमिश। और आप इसे रेफ्रिजरेट करके भी रख सकते हैं तो ये ठंडे ठंडे खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको। तो फ्रेंड्स लीजिए तैयार है हमारा रबड़ी, हमारा इंस्टेंट रबड़ी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।